हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, यदि आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल वाले प्रोग्राम में या फिर 6 साल वाले प्रोग्राम में, या फिर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं एचए यूनिवर्सिटी में, तो उसके एडमिशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से पूरा फॉर्म कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ktdtjobnews.com, इस साइट पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए CCSHAU यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BSc एग्रीकल्चर ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो हम 2019 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कल मैंने बताया था कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं, पूरी डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। 6 साल का प्रोग्राम है, ये सारे मैंने डिटेल यहाँ पे दे रखी है। एज मैंने बता रखी है कितनी एज होनी चाहिए, योग्यता मैंने बता रखी है कि किस योग्यता पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीएससी ऑनर्स 4 साल वाले में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास प्लस टू होनी चाहिए मेडिकल या नॉन मेडिकल से। यदि आप 6 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, या आप रिजल्ट आपका वेट कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कितने पेपर होगा एडमिशन लेने से पहले, पेपर बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन से आएंगे, एक नंबर कितने नंबर लेंगे मिलेंगे एक क्वेश्चन के, कितना समय दिया जाएगा, सारी बातें मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप ये नीचे देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। और दोस्तों, यहाँ पे फार्म भरने की फीस आप देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। और ऑनलाइन फीस अप्लाई कर सकते हैं। 29 अप्रैल से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और 21 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैंने सिलेबस भी दे दिया है और पुराने जो पेपर हैं वो भी यहाँ पे दे दिए दोस्तों, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भरना है फॉर्म अब, तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट डिग्री, आप डिप्लोमे में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ क्योंकि जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो ग्रेजुएशन में आती है। उसके बाद बीएससी 4 साल वाला के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, 6 साल वाले के लिए या 4 साल वाला कम्युनिटी सर्विस के लिए, तो मैं यहाँ पे 6 साल वाला कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, डाल देता हूँ मैं राजू। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 30/3/2001 फादर नेम आप डाल दीजिए, पृथ्वी। मदर नेम आप डाल दीजिए, धनपति, ठीक है। आपको सही डिटेल डालनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका हो। उसके बाद आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे 1234 4321 5678। आपको अपना सही आधार कार्ड नंबर डालना है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको हिंदू है आपका जो धर्म है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बार पेज रिफ्रेश होता है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल नंबर 70/15/24/34/91, ठीक है दोस्तों। सही नंबर डालना है क्योंकि इसके ऊपर आपके मैसेज आएंगे। मैरिड है, अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, यहाँ पे मैं ओ पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इंडियन हैं, आपके पास ईमेल आईडी डालनी ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ktdt@gmail.com। दोस्तों, पूरा फॉर्म कंप्लीट करके आपको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससी है, बीसी भी है, बीसी है। दोस्तों, ये आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे, मेरी वैसे कैटेगरी बीसी है लेकिन मैं यहाँ पे एससी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपलोड फाइल, आपको यहाँ पे
एससी का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस एक बार जनरल कर देता हूँ, क्योंकि जनरल को ये अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये ध्यान करिए, जो एससी बीसी है उनको अपना यहाँ पे एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप ऐसे गांव से रिलेट करते हो जहाँ आपने आपके गांव ने ज़मीन दान में दी है यूनिवर्सिटी को, तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फादर मदर गार्डियन, तो यहाँ पर आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं तो फादर मदर कर देना। यदि आपको कोई और गार्डियन है तो आपको आपका कोई पालन पोषण माता पिता से अलग करता है तो आप नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। मैं फादर मदर ही करता हूँ यहाँ पे। तो फादर मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फार्मर, आपके जो भी हों आप बता दीजिएगा। उसके बाद मैं एनुअल इनकम बतानी है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से 3 लाख इनकम, आप चाहें उतनी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कॉलरशिप मिलती है आप उसके हिसाब से भी एडजस्ट कर लीजिएगा पहले ही। तो उसके बाद अगला ऑप्शन, डू यू फॉल अंडर फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के अंदर आते हैं, नहीं। क्या आप एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, नहीं। आर यू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, ठीक है। आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं तो वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई के कैंडिडेट हैं तो आप वो यस कर सकते हैं। रेजिडेंट आपका डोमेसाइल हरियाणा है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। ये आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी इसकी। उसके बाद में आई हैव नोटेड डाउन पे क्लिक कर देना है और क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ जैसे हिसार, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पिन कोड भी पूछ रहा है तो यहाँ पे डाल देते हैं 1244, ठीक है दोस्तों। और यदि आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और वो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, एड्रेस के बाद में अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड करना है दोस्तों। तीनों फाइल 50 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए और जो आपके अंगूठे हैं वो मेल के लिए है लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, और फीमेल के लिए है राइट हैंड का अंगूठा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। तो मैं फ़ोटो कर देता हूँ। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में थंब अपलोड कर दीजिए, थंब अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मार होगी, उसके बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, अब देखिए आपके फ़ोटो साइन नीचे आ गए हैं, नहीं आ गए, यहाँ पे देखिए फ़ोटो साइन सिग्नेचर हमारे सही आ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है अपनी, क्या क्वालिफिकेशन है, तो मैट्रिक बता दीजिए आपका रिजल्ट आ गया है या अभी रिजल्ट वेटिंग में है। तो मैं रिजल्ट अवेटेड दिखा देता हूँ कि मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आप 2019 में पास हो गए। बोर्ड कौन सा आपका बता दीजिए, यहाँ पे HBSC बोर्ड है और कोई बोर्ड है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपका रोल नंबर क्या है तो रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि आपको पता नहीं और चीज़ों का। उसके बाद में सब्जेक्ट डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपके पास है सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप HAU के एक्स स्टूडेंट तो नहीं हो, पुराने स्टूडेंट तो नहीं हो, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन नो रहने दीजिए, कुछ बताने के लायक है तो आप यस कर सकते हैं। और आप गांव से रिलेटेड हैं तो आप गांव सेलेक्ट लीजिए, शहर से रिलेटेड करते हैं तो शहर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल होगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप पूछ रहा है, मतलब ये हाँ भरवा रहा हमसे कि जो आपने डिटेल डाली है वो सारी डिटेल सही है, यदि आप एग्री करते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है अपनी, पे नाउ पे क्लिक करके, ठीक है।
जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आप पेमेंट वाली साइट पे चले जाओगे, वहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग से अपने पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो कन्फर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस BSc एग्रीकल्चर या किसी और चीज़ के फार्म भरने का, HAU एग्रीकल्चर में, ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई दी है और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप ये पूरी डिटेल हिंदी में देख सकते हैं, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने दे रखी है और डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।